स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे परमानेंट प्रिपरेशन, स्थाई स्लाइड और अस्थाई स्लाइड। जूलॉजी के अंदर बहुत से ऐसे मटेरियल हैं, सिलेबस में आपके स्थाई स्लाइड है और अस्थाई स्लाइड में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थाई स्लाइड और अस्थाई स्लाइड में अंतर क्या है। अस्थाई स्लाइड तो कुछ समय के लिए बनाई जाती है, अर्थात वो जैसे कोई एनिमल का पर्टिकुलर भाग लिया और उसको साफ किया और उसको डायरेक्ट स्टेन करके और फिक्स कर दिया और माइक्रोस्कोप के नीचे उसका ऑब्जर्वेशन कर लिया और उसको तुरंत ही उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा होती है। लंबे समय तक उसको हम रख नहीं सकते, कारण क्या है, अगर पानी होगा मटेरियल के अंदर तो बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे और वो डैमेज हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और दूसरी है परमानेंट प्रिपरेशन। परमानेंट स्थाई स्लाइड बनाने के लिए हम एक प्रोसीजर है, जो बेसिक प्रोसीजर है, डबल स्टेनिंग और सिंगल स्टेनिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, आप पीजी तक भी यही स्टेनिंग जो प्रोसेस है या परमानेंट प्रिपरेशन तैयार करने का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। तो आप इसमें दो तरह की है, ये सिंगल स्टेनिंग टेक्निक और डबल स्टेनिंग टेक्निक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल स्टेनिंग टेक्निक। नाम से ही है कि एक बार स्टेन किया जाएगा। कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी किसी जंतु का ऑर्गन है, तो उसको एक बार ही स्टेन किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी दिया हुआ मटेरियल है, जो ऑर्गन है उसका टीएस है, जो मटेरियल है जिसकी हमें स्थाई स्लाइड बनानी है, तो उसको हम सबसे पहले फिक्स करेंगे। फिक्स करने का मतलब ये है कि संबंधित जो पार्ट है या टिश्यू है उसको हम लेंगे, लेके उसको स्लाइड के ऊपर रखेंगे। तो यह है फिक्सेशन। तो सबसे पहले कोई भी अंग है या जिसकी आपको स्लाइड बनानी है उसको फिक्स करेंगे, फिक्सेशन। फिक्सेशन के बाद उसको वॉश करेंगे, डिस्टिल वाटर से लगभग 5 से 10 मिनट तक उसको धोएंगे। धोने के बाद उसको स्टेन करेंगे। स्टेन जो भी आपको उपलब्ध है, मुख्य रूप से स्टेन जो हम काम में लेते हैं वो बोरेक्स कार्बिन है या इओसीन है, तो उससे उसको स्टेन करेंगे। कितने देर तक, 1 से 3 मिनट तक, अर्थात उस पदार्थ के अंदर जिसकी हमें स्थाई स्लाइड बनानी है उसके अंदर हम बोरेक्स कार्बिन या ईओसीन डालेंगे और उसको कब तक रखेंगे, 1 से 3 मिनट तक उसको हम रखेंगे। उसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है एसिड वाटर, उस मटेरियल को हम या उस मटेरियल के ऊपर एसिड वाटर डालेंगे, जिससे क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टेन बोरेक्स कार्बिन या ईओसीन, जो स्टेन हमने यूज में लिया है उसकी अधिक मात्रा है, वो बाहर निकल जाएगी। जैसे एसिड वाटर डालेंगे, एसिड वाटर को आधा से 1 मिनट रखेंगे, जिससे क्या होगा, अधिक मात्रा में जो स्टेन है वो बाहर निकल जाएगा, जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम वॉशिंग करेंगे, डिस्टिल वाटर से 5 से 10 मिनट तक उसको धोएंगे, वॉश करेंगे। उसके बाद डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अर्थात निर्जलीकरण, अर्थात उस ऑर्गन के अंदर या उस पदार्थ में जिसकी हम स्थाई स्लाइड बना रहे हैं उसके अंदर पानी को निकालेंगे, उसके अंदर पाए जाने वाले पानी है उसको हम रिमूव करेंगे, निकालेंगे। तो डिहाइड्रेशन सबसे पहले हम 30% में उसको रखेंगे, 30% अल्कोहल डालेंगे, फिर 50% डालेंगे, फिर 70%, फिर 90%, फिर 100% अल्कोहल डालेंगे। और प्रत्येक जो है 5 मिनट, 30% डाला, 5 मिनट रखा, फिर उसके अंदर 50% डाला, 5 मिनट, इस तरह से प्रत्येक जो सीरीज है अल्कोहल की वो 5 मिनट तक उस पदार्थ को हम रखेंगे। और आपको ये बता दूं कि सबसे पहले 30% क्यों डालते हैं, 90, 70 या 100 क्यों नहीं डालते, उसका कारण है 30% डालने से क्या होगा, उस पदार्थ के अंदर जिसकी हम स्थाई स्लाइड बना रहे हैं उस ऑर्गन की, उसका 30% पानी ही उससे बाहर निकलेगा। अगर हमने 90% या 70% अल्कोहल पहले ही डाल दिया तो क्या होगा, अगर 70 डाला है तो क्या होगा, उस ऑर्गन का 70% जो पानी है वो बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा 70% पानी एक साथ बाहर निकलेगा तो उसकी वास्तविक संरचना है, ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगी, वो श्रिंक हो जाएगी, वास्तविक स्ट्रक्चर नहीं रहेगी। इसलिए हम उस अंग से या उस टिश्यू से धीरे धीरे करके पानी बाहर निकालेंगे, पहले 30%, फिर 50%, फिर 70%, इस तरह से पहले 30% पानी बाहर निकला, उसके बाद 20%, उसके बाद
20%, उसके बाद 20%, उसके बाद 10%, इस तरह से उसकी जो संरचना है वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसलिए अल्कोहलिक सीरीज के अंदर बढ़ते क्रम में अल्कोहलिक सीरीज का उपयोग हम करते हैं। उसके बाद डी अल्कोहलाइजेशन एंड क्लियरिंग, अर्थात ज़ाइलिन डालेंगे उसके अंदर, ज़ाइलिन ऐड करेंगे 5 मिनट तक। ज़ाइलिन का क्या काम है कि उस ऑर्गन के अंदर, उस टिश्यू के अंदर अल्कोहल जो है वो रिमूव हो जाए, इसलिए हम ज़ाइलिन डालते हैं। उसके बाद हम माउंटिंग उस मटेरियल को माउंट करेंगे डीपीएक्स और कनाडा बालसम में। इस तरह से ये सिंगल स्टैनिंग टेक्निक के द्वारा स्थाई स्लाइड तैयार होती है। और स्थाई स्लाइड, अब आप ये कहेंगे कि डीपीएक्स और कनाडा बालसम में क्यों डालेंगे, माउंट क्यों करेंगे, क्योंकि ये एयर टाइट होता है, एयर को अंदर प्रवेश करने नहीं देता। अगर टिश्यू तक एयर नहीं जाएगी तो क्या होगा, किसी प्रकार के बैक्टीरिया का प्रवेश उसमें नहीं हो पाएगा, जिससे वो स्थाई बनी रहेगी, ज्यों की त्यों बनी रहेगी, डिग्रेड नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी। दूसरा, उसके अंदर वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं है, अगर पानी होगा तो बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, इसलिए हम डिहाइड्रेशन करते हैं टिश्यू का। और ज़ाइलिन क्यों डालते हैं, ज़ाइलिन अल्कोहल की अधिक मात्रा, अल्कोहल की जो मात्रा है टिश्यू में उसको बाहर निकालने के लिए ज़ाइलिन का उपयोग करते हैं। डीपीएक्स या कनाडा बालसम का उपयोग करते हैं एयर टाइट के लिए, कि एयर टिश्यू के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। स्टेन इसलिए काम में लेते हैं, प्रत्येक स्टेन के अंदर स्पेशलिटी होती है कि वो पर्टिकुलर जो सेल है उसके भाग को स्टेन करने की उसके अंदर क्षमता होती है, इसलिए हम उसको स्टेन करते हैं। स्टेन करने से जो टिश्यू है उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई दें, क्योंकि वो उस स्टेन की वजह से वो रंगीन हो जाते हैं। तो ये है सिंगल स्टेनिंग टेक्निक। डबल स्टेनिंग टेक्निक में जो अंतर है सिंगल और डबल में वो मैं आपको बता दूं, बाकी प्रोसेस सेम है। पहले जो टिश्यू लिया है उसको फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद उसको वॉश करेंगे 5 से 10 मिनट तक। फिर है स्टेनिंग स्टेप फर्स्ट, इसमें आप देखिए पहले स्टेन करेंगे, वॉशिंग करने के बाद तुरंत स्टेन करेंगे, और स्टेन काम में लेते हैं मोस्टली हिमेटॉक्सिलिन, और स्टेन आधी से 2 मिनट तक। तो जैसे ही हिमेटॉक्सिलिन डालेंगे तो उसका जो कलर आएगा, कलर वो होगा रेडिश ब्राउन, उस टिश्यू या ऑर्गन का रेडिश ब्राउन कलर होगा। उसके बाद सिंगल स्टेनिंग मेथड की तरह डिफ्रेंशिएशन तथा एसिड वाटर डालेंगे आधा से 1 मिनट तक, जिससे अधिक जो मात्रा है स्टेन की, हिमेटॉक्सिलिन की, वो रिमूव हो जाए, बाहर निकल जाए। अब इसमें एक नई जो है अंतर है सिंगल स्टेनिंग टेक्निक और डबल स्टेनिंग में, ग्लूइंग। ग्लूइंग का मतलब ये है कि जो मटेरियल है हमारा, जो टिश्यू है, उसको हम लगभग 10 से 30 मिनट तक रनिंग टेप वाटर के नीचे रखेंगे। पहले मैंने बताया कि जैसे हिमेटॉक्सिलिन डालेंगे तो रेडिश ब्राउन कलर का होगा, और ग्लूइंग करने से रनिंग टेप वाटर में उसको हम आधा घंटा तक रखेंगे तो जो कलर होगा वो हो जाएगा ब्राइट ब्लू कलर, रेडिश ब्राउन से ब्राइट ब्लू कलर होगा, इसलिए इसको ग्लूइंग कहते हैं। तो 10 से आधा घंटे तक ग्लूइंग करेंगे, जिससे मटेरियल का, पदार्थ का या टिश्यू का कलर जो है वो ब्राइट ब्लू हो जाए, इसलिए इसका नाम ग्लूइंग। उसके बाद डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन इसमें 30, 50, 70% अल्कोहल वही 5 मिनट तक प्रत्येक सीरीज के अंदर 5 मिनट रखेंगे। उसके बाद हम स्टेप सेकंड स्टेनिंग, 70 के बाद स्टेप सेकंड में स्टेनिंग करेंगे, और स्टेन काम में लेंगे ईओसी, और वो आधा से 1 मिनट तक। उसके बाद डिहाइड्रेशन, क्योंकि हमने 30, 50, 70% अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन कर लिया है और फिर पुनः स्टेनिंग किया, उसको स्टेन किया है स्टेप सेकंड के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, पुनः हम 70% डालेंगे उसमें। इससे पहले भी हम 70% डाल चुके हैं, लेकिन डबल स्टेनिंग के अंदर जैसे स्टेन डालेंगे सेकंड स्टेन, तो 70% पुनः डालेंगे, फिर 90, फिर 100, और प्रत्येक सीरीज के अंदर 5 मिनट इसको रखेंगे मटेरियल को। उसके बाद सेम प्रोसेस है डी अल्कोहलाइजेशन एंड क्लियरिंग। ज़ाइलिन डालेंगे, क्यों डालेंगे, अल्कोहल को रिमूव करने के लिए। और उसके बाद माउंटिंग, डीपीएक्स और कनाडा बालसम के अंदर माउंट कर देंगे। तो दोनों में जो अंतर है वो ये है कि पहला मेन डिफरेंस है वो है सिंगल स्टेनिंग में एक बार स्टेन किया जाता है, और वो कब किया जाता है, स्टेनिंग जैसे वॉश करने के बाद स्टेन करते हैं, उसके बाद उसको स्टेन नहीं करेंगे।
और जो डिहाइड्रेशन करेंगे वो कंटिन्यूअस करेंगे, बीच में कोई स्टेज नहीं करेंगे, 30, 50, 70, 90 और 100। जबकि डबल स्टेनिंग के अंदर हम पहले जो करेंगे तो ब्लूइंग करेंगे, उसके बाद डिहाइड्रेशन करेंगे 30, 50 और 70, उसके बाद स्टेन करेंगे, फिर पुनः 70, 90 और 100। बाकी जो सेम प्रोसेस है, इस तरह से स्थाई स्लाइड बनाने की जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है वो बीजी क्लासों तक आपको यही याद रखनी है, यही काम में आती है। इस तरह से स्थाई स्लाइड बनाने की सिंगल स्टेनिंग मेथड और डबल स्टेनिंग टेक्निक प्रकार से की जाती है। अब हम बात करते हैं, आज मैं बताऊँ आपको कि आपके सेकंड ईयर के अंदर सिलेबस के अंदर एनिमल्स हैं पायला और प्रॉन। तो प्रॉन की हेस्टेड प्लेट की स्थाई स्लाइड आपको बनानी है, ये आपके सिलेबस में है। इसमें डायग्राम है, आप देखिए प्रॉन की हेस्टेड प्लेट। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कहाँ पाई जाती है प्रॉन की हेस्टेड प्लेट। जो कार्डियक स्टोमक है, स्टोमक भाग है, उसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो फंडिक कार्डियक और पाइलोरिक। आपको अगर ध्यान होगा फिजियोलॉजी मैंने पढ़ाया था, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, तो स्टोमक के 3 भाग है। पहला भाग है फंडिक, दूसरा आपका कार्डियक और तीसरा पाइलोरिक। तो कार्डियक भाग का क्या मतलब है, वो भाग जो कि हार्ट के पास पाया जाता है, इसलिए उसका नाम कार्डियक स्टोमक। तो हेस्टेड प्लेट जो है वो पाई जाती है कार्डियक स्टोमक के फ्लोर पर, उसके फर्श पर पाई जाती है, ठीक है। दूसरा ये स्पीयर शेप होती है, स्पीयर शेप भाला, भाला भाले का आगे का जो हिस्सा होता है वो ऐसा होता है भाले के समान, स्पीयर शेप और मोटी क्यूटिकल की बनी होती है। साथ ही इसका जो मुख्य कार्य है वो है भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में, भोजन के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आप देखिए कि बीच के अंदर भाले के समान संरचना है, ये हेस्टेड प्लेट है पूरी। इसके ऊपर छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लूइश कलर के अंदर, ये क्या है, काइटिनियस ब्लिस्टर्स, काइटिन के बने छोटे छोटे रोए या वायर के समान स्ट्रक्चर, छोटे छोटे नुकीली संरचनाएं, काइटिनियस ब्लिस्टर्स। और यही काइटिनियस ब्लिस्टर जो है भोजन के कणों को छोटे टुकड़ों में काटने का काम करते हैं। हेस्टेड प्लेट के चारों ओर एक संरचना पाई जाती है, वो क्रोम प्लेट कहलाती है। दोनों ओर जो तीर के या नुकीली संरचना है वो गाइडिंग रिज होते हैं। साथ ही दोनों ओर लेटरल ग्रूव पाई जाती है या पार्श्व खांच पाई जाती है, और नीचे जो है एक छिद्र अपर्चर जो कि कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर, कार्डियो अच्छा कार्डियक जो स्टोमक है वो इस अपर्चर के द्वारा पाइलोरिक स्टोमक से मिलता है या पाइलोरिक स्टोमक में खुलता है, इसलिए इसका नाम कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर। मुख्य कार्य हेस्टेड प्लेट का भोजन के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। इसकी बनी होती है थिक क्यूटिकल की, जिसके ऊपर काइटिन के बने ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इस तरह से आपको ये परमानेंट प्रिपरेशन जितने भी हैं, जैसे हेस्टेड प्लेट, तो रिकॉर्ड के अंदर आपको सिर्फ इसका नामांकित चित्र बनाना है और लिखना कुछ भी नहीं है। थैंक यू।